स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ हेल्पर्स। सी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टू थिंग्स आर देयर, वन इज बिल्डिंग, वन इज टावर। बिल्डिंग छोटी बनानी है, टावर आपको बड़ा बनाना है, बिकॉज टावर इज ऑलवेज एट हाइट। अब दो चीजें हैं, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से लेकर फुट ऑफ आवर टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, मीन्स ये ग्राउंड है तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट क्या है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ये इम्पोर्टेंट है डायग्राम बनाना, बाकी सिंपल है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, ये टावर है, इसकी हाइट दी है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सपोज हाइट ऑफ द बिल्डिंग एक्स है। अब आपको 10 वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि 10 फीट का होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो पहले आप एक ट्राइंगल में से बेस निकालोगे, उस बेस को आप सेकेंड ट्राइंगल में रख दोगे और आप उसमें हाइट निकाल दोगे। सपोज ये हो गया ए, कुछ भी नेम दे सकते हो आप, ए बी सी डी दे दिया मैंने। पहले लोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है, 1060 की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ए बी है, उसकी वैल्यू है 50, बेस है बी सी, उसको बी सी लिखेंगे। 1060 होता है √3, √3 की वैल्यू होगी 50/BC, √3 BC हो गया 50, उससे बी सी की वैल्यू आ गई 50/√3, मीन्स ये बेस आ गया 50/√3। अब लोगे इन ट्राइंगल बी सी डी, इसमें ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे फंक्शन 10, 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर एक्स है, वो आपको निकाल दिया हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बेस बी सी है, बी सी की वैल्यू 50/√3 है, इधर 50/√3 ऊपर चला जाएगा। 10/30 होता है 1/√3। How to find these values 1030, 1060, that link I will put in description, you can watch from there. X over 50 root 3, cross multiply कर दो 1 into 50, X as it is root 3 into root 3, 3, X value will come 50/3, then you can write in mixed form, you will get 16/3. Now you will write that height of building is 16/3 meter. Thank you.